दोस्तों बिल्कुल आपने सही सुना है, फाइनली यहां पर इतने दिनों के इंतजार के बाद बिहार में भी अब यहां पर नया वाला लेबर कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए आपको फटाफट बताते हैं। सबसे पहले जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे बिहार वाली वेबसाइट पर, इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से क्लिक करके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे कि बिहार बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर यानी कि ये लेबर कार्ड का वेबसाइट है जहाँ पर जितने भी श्रमिक लोग हैं उनका यहाँ पर रजिस्टर्ड है। तो जब आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहीं पर देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है, लेबर रजिस्ट्रेशन। इस वाले ऑप्शन पर जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से दूसरा टैब खुल करके आ जाएगा और यहीं पर देख पा रहे हैं कि नया प्रक्रिया यहाँ पर शुरू किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर बिहार में नया लेबर कार्ड बनाने की प्रक्रिया को शुरू नहीं था, यानी कि ऑनलाइन का ऑफलाइन के माध्यम से यहाँ पर जो बनाया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर जो इनके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो बताया गया कि ऑनलाइन फॉर ओल्ड रजिस्टर्ड यानी कि वर्कर, तो जो लोग यहाँ पर पहले से ही लेबर कार्ड बना रखे हैं ऑफलाइन के माध्यम से उनको भी इस वेबसाइट पर आकर के रजिस्ट्रेशन करना होगा यानी कि आवेदन देना होगा। यहाँ पर देख पा रहे कि बताया गया कि पूर्व में ऑफलाइन निबंधित निर्मित श्रमिक ऑनलाइन हेतु आवेदन करें। तो यहाँ पर जब आप अभी क्लिक करेंगे तो लिंक अभी काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है लेकिन अभी यहाँ पर लिंक को एक्टिवेट नहीं किया गया। बहुत जल्द यहाँ पर जो लिंक को भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा तब आप बड़ी आसानी से घर बैठे नया लेबर कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो जारी किया गया है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है जिनके पास लेबर कार्ड बना हुआ ऑफलाइन के माध्यम से उनको भी यहाँ पर आवेदन देना होगा और जो लोग नए तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग भी यहीं से क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पर नया लेबर कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। कौन कौन से आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो यहाँ पर बताया गया कि आवश्यक दस्तावेज में यहाँ पर देखेंगे बताया गया कि पुराना निबंधित परिचय पत्र। तो अगर आपके पास पुराना वाला परिचय पत्र है यानी कि ऑफलाइन के माध्यम से आपने लेबर कार्ड बनवाया तो वो वाला परिचय पत्र आपको यहाँ पर देना होगा। सभी पृष्ठों को आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, ये उनके लिए। साथ ही यहाँ पर बताया गया कि बैंक पासबुक का केवल वह पृष्ठ जिस पर आवेदक का नाम हो, खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड अंकित हो। तो यहाँ पर आपका बैंक पासबुक का जो पहला पृष्ठ होता है वो आपको अपलोड करना होगा। साथ ही आपका पर देखिए पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो, तो आपको पासपोर्ट साइज यहाँ पर फोटो भी अपलोड करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर यह भी बताया कि 90 दिनों के कार्य करने का प्रमाण पत्र, आप जो भी काम करते हैं उनका 90 दिन का कार्यपत्र एक सर्टिफिकेट होता है प्रमाण पत्र, वो आपके पास है तो बहुत अच्छा है, वो भी आपके यहाँ पर लगने वाला है। अगर आपके पास 90 दिन का कार्यकाल यानी कि जो भी आप काम करते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे आप लेबर हो या मतलब राजमिस्त्री का काम करते हो, कोई भी काम करते हो, उनका 90 दिन का कार्यकाल यानी कि प्रमाण पत्र है तो वो आप दे सकते हैं। अगर आपके पास ये प्रमाण पत्र नहीं है तो यहाँ पर ये भी बताया गया कि अथवा में आप स्व घोषणा पत्र दे सकते हैं। स्व घोषणा पत्र को बनवाना होगा यानी कि आप कचहरी में जाकर के एफिडेविट में बनवाएंगे जिनमें आपका जो भी काम होगा, जो भी आप काम करते हैं वो उनमें आपको दर्शाना पड़ेगा स्व घोषणा पत्र में कि हम यहाँ पर ये काम करते हैं। तो इस तरीके से आपको स्व घोषणा पत्र बनवा सकते हैं अगर आपके पास 90 दिन का कार्यकाल सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये भी आपको यहाँ पर जो अपलोड करना होगा। और यहां पर बताया गया कि कार्य की यानी कि प्रकृति सहित इस तरीके से यहां पर जो दिया गया है। तो कहने का मतलब है यहां पर बहुत जल्दी अब यहां पर बिहार में भी न्यू लेबर कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाला है। तो अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट है तो पहले से ही आप लोग यहां पर तैयार रखिए और जैसे यहां पर लिंक एक्टिवेट होता है ऑनलाइन शुरू होता है, मैं इस पर एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आप यहां पर न्यू लेबर कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो यह जानकारी आप लोगों को देना था। अगर आपको जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके।